जी, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी सोनिया जी, स्वागत है आपका, बताएं सोनिया जी। जी आपकी एज कितनी है सोनिया जी? और आपने कहा कि गॉलब्लैडर स्टोन है, कितने कितने साइज का बताया गया है आपको? जी देखिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन एक्चुअली में तो अगर आप सिस्टम से देखेंगे तो गॉल ब्लैडर ही रिमूव कराना पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि गॉल ब्लैडर से स्टोन नहीं निकल सकता क्योंकि उसमें कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम उनसे पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन आया कहाँ से। होता क्या है कि गॉल ब्लैडर के अंदर की बाइल जब क्रिस्टलाइज हो जाती है तो वो पत्थर बना देती है। वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है उसी स्टोन को गलाने के लिए। तो इसमें एक्यूप्रेशर विधा द्वारा, रेकी विधा द्वारा बहुत ही अच्छा इलाज है। अभी रिसेंटली एक केस आया था, 2.9 सेंटीमीटर की पत्थरी थी, यानी 29 mm की पत्थरी थी। इनकी तो 10 mm की है, तो जी? 29 mm की पत्थरी थी, उसको ट्रीटमेंट दिया गया। अभी 8 महीने हो गए हैं और अब उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी हैं। 10 mm की है, अंदाजन 3 महीने के करीब का ट्रीटमेंट इसमें चलेगा। एक किट बनाई हुई है हमने, कुछ छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे इस तरह के, उनको हाथों की कुछ पोजीशन पे अप्लाई करना होगा इस मशीन के द्वारा एक्टिवेट करने के बाद। और जैसा कि अभी हमने बताया था कि हर बॉडी सिस्टम के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल है, तो गॉल ब्लैडर जो आता है वो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के अंडर आता है, क्योंकि लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन सब इसी के अंडर आते हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा अग्नि तत्व का परिचायक है। जब आपकी जठर अग्नि घट गई तब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया। अब आप येलो कलर के क्रिस्टल के द्वारा जब अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को पुनः ऊर्जान्वित करेंगे, वहां की अग्नि को पुनः मेंटेन करेंगे, तो वो स्टोन दोबारा से गल के बाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगी। तो इसके लिए गॉल ब्लैडर की किट आती है, उसका इस्तेमाल करें। बाकी चंडीगढ़ हम हर महीने आते हैं, तो डेट्स आ रही होंगी, उस डेट्स पे आप संपर्क कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो वहाँ पे जी आप दिखा भी सकते हैं।